एक IITian का दिमाग है, आप समझ, आपके लेवल में जाना इतना आसान नहीं है। आपको क्या है कि उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखो नरेन जी, मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा, ने क्या कहा है कि तुम मुझे सरेंडर कर दो, मैं तुमको तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा। नहीं तो यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो विद्वान बनने की क्या जरूरत है? आप समर्पण कर दीजिए। आपसे तो छोटी बातें करने के लिए कहा जा रहा है कि भैया अपने घर वालों को जोड़ दो, अपने उनको जोड़ दो। मैं तो क्लास वन का भी स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे तो ये चीजों को कई बार रिपीट करना पड़ेगा तब मेरे भेजे में आएगा कुछ 1% अभी भेजे में आया है। भेजे में क्यों डालना चाहते हो? यदि हमें कहें भेजे में वही डाल रहा हूँ जो आप बता रहे हो, अलग से नहीं डालना। नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बाबा जय गुरुदेव आपसे कुछ कहते हैं तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये मान के आप चले जाते हो ना, उसका उसका जो है ना विश्लेषण नहीं करते हो ना। हाँ तो कुछ देर के लिए ही मान लो कि मैथिली सन गुप्त ने कहा है तो हमें इसे मानना है, और जो वो कह रहे हैं उसे करने की जिम्मेवारी उनकी है। और मैं भी बार बार यही कह रहा हूँ कि भैया आपको चंद्रगुप्त बना के आपको क्राउन दे देंगे, लेकिन जिम्मेवारी आपकी नहीं है, जिम्मेवारी हमारी है। राइट? क्या हम चंद्रगुप्त से कह रहे हैं कि तुम्हारी जिम्मेवारी है? हेलो, हम उससे क्या कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री का ताज तुम्हारा है, लेकिन 21 लक्ष्यों को अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, टैक्स मुक्त भारत बनाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं, और इसलिए हमने वो प्रक्रिया भी दर्शाई है कि हम बिजनेस रूल को अमेंड करेंगे। हम जो है पहले जो चीज है वो आम जनता के पास ले जाएंगे, उस लेवल पे परिष्कृत करके फिर चाणक्यों को, और वो चाणक्य भी विधानसभा के बाहर बैठ के पहले इसे करेंगे, और हर चंद्रगुप्त को बोलना होगा। राइट? इसके बाद फाइनली डिबेट जो है वो विधानसभा में होगी, और हाँ की जीत और ना की हार के तहत वो नियम कानून बन जाएगा। तो हम तो उसे रहस्यमय नहीं बना रहे, हम तो बड़े सरल भाषा में उसे समझा रहे हैं कि कैसे जमीन पे उतरेगा। अब यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप यदि विद्वान अपने आप को मान रहे हैं तो कम से कम आपको प्रश्न पूछने का विद्वत्ता तो होना ही चाहिए ना। नहीं सर, विद्वत्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर मैं 100% आंख बंद करके मैं अपने देवता को मान रहा हूँ, राइट? लेकिन मैं उन लोगों के बीच में भी जा रहा हूँ जहाँ उन लोगों को हमें आपकी तरफ से बताना पड़ेगा कि कितना आसान है ये मॉडल, कितना आसान है भाई। आप ये मत सोचिए 100 करोड़ लोग कैसे जुड़ जाएंगे, वो दिमाग में मत रखिए। इस मॉडल को देखिए कि इसमें आप कर रहे हैं, इसमें आप कितना बड़ा क्या कह रहे हैं कि आप मत कहिए। आपको जो हमारा वीडियो समझाता हुआ अच्छा लग रहा है उसे साथ में बैठ के सुनिए जी, क्योंकि आप उसको कहोगे तो आपकी भाषा बदल जाएगी, हो सकता है उसका भाव भी बदल जाए, हो सकता है उसका अर्थ भी बदल जाए, और ये भी हो सकता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। आपने एक मैनेजमेंट के जो कम्युनिकेशन के कुछ एक्सपेरिमेंट सुने हैं क्या आपने? कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि हमने आप एक लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, राइट, और हमने कहा कि हम कुछ कुछ हरकत कर रहे हैं, आपको वो रिपीट करना है देख के, ठीक है ना? तो हमने हरकत की, आपने रिपीट किया, राइट। अब आप हमारी हरकत के कुछ डायनेमिक्स को भूल गए, आपने कैप्चर नहीं कर पाया, तो जो आपने हरकत की फिर उसको तीसरे को करना है, फिर चौथे को करना है, और जो फाइनल व्यक्ति ने उसे रिपीट किया उसका पहले व्यक्ति ने जो किया था उससे कोई लेना देना नहीं था। बात समझ रहे हो ना? वो धीरे धीरे बदलती गई बातें, और अंत में जाके जो आखिरी व्यक्ति कह रहा है और पहले व्यक्ति ने जो कहा उसमें कोई समानता ही नहीं रहेगी। जी, ये ऑलरेडी मैनेज, अभी आप चाहे तो ट्राई कर लीजिए, 100 बच्चों को, 50 बच्चों को, 30 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, उनके सामने कुछ भी हरकत करिए, राइट, और उनसे कहो कि साहब इसको रिपीट करना है, सब लोग दूसरी तरफ देखेंगे, तो जो व्यक्ति देख रहा है वो आपकी तरफ मुंह करेगा, और इसके बाद जो है वो तो एक दूसरे को एक ही व्यक्ति देख पाएगा, उसको इस तरीके से रखेगा। तो आप चाहेंगे, आप देखेंगे कि जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग सर्टेन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो आप जो रिपीट कर रहे हो उसमें गलती होती जा रही है, और वो गलती
आगे वाला कोई दूसरी गलती कर रहा है, तीसरा कोई तीसरी गलती कर रहा है, और इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि जो अंतिम व्यक्ति एक्शन करके दिखाता है उसका पहले व्यक्ति से कोई संबंध ही नहीं रह जाता। यही इसके साथ है, इसलिए ये अपभ्रंश ना हो, इसलिए हम क्या बार बार कहते हैं कि भाई साहब आप मत समझाइए, आप साथ में बैठ के हमारा वीडियो सुनिए, फिर चर्चा करिए। जो प्रश्न आ रहे हैं यदि आप उनका जवाब दे पाते तो अच्छी बात है, नहीं तो वो प्रश्न मेरे पास ले आइए जी, या तो मैं आपको प्रश्न का जवाब दे के रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूंगा, या हम एक जनरल जो है रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, तो प्रश्न भी हमारे पास आपका होगा, जवाब भी मैथिली सर का होगा जी। अब आपको समझ में आ रही होगी कि बार बार हमें क्यों कहते हैं कि आप मत समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बार बार ये कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को साथ में बैठ के चाय पीते सुनिए, ये बार बार हम इसी बात को कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे आत्मा में बसा हुआ है, वो आपकी आत्मा में नहीं बस पाएगा, नहीं बस पाएगा, तो आप उसमें जब बोलेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आ जाएगा, फिर वो दूसरा व्यक्ति बोलेगा उसमें कुछ डिस्टॉर्शन होगा, और जो है ना इसी तरीके से बोल के सुन के कहेंगे तो आखिरी व्यक्ति जो बात बोलेगा वो मैथिली शरण गुप्त की एकदम उल्टी सीधी बात होगी, मतलब मैथिली शरण गुप्त जो कह रहे हैं उससे कोई समानता ही नहीं बचेगी। तो इसलिए जो है समझाने का काम जो है एक ही व्यक्ति को करने, और हमने मॉडल निकाला हुआ है तो आपके पास इंस्टेंटेनियसली पहुंच रही है, अभी जैसे जो हम बात कर रहे हैं ये शाम तक आप तक पहुंच जाएगी अपलोड होके, राइट? समझ गया। तो फिर आप समझाने का बोझ क्यों उठाना चाहते? आप जो है चाय की सुस्कियां लेके हमारा जो वीडियो अच्छा लग रहा है उससे साथ में बैठ के क्यों नहीं सुनना चाहते? यदि उसे आप साथ में बैठ के सुनेंगे वो भी चाय की सुस्कियां लेते हुए मुस्कुराते हुए, हेलो, और जब वो खत्म हो जाता है तब चर्चा करें आप, और चर्चा में जो प्रश्न आ रहे हैं यदि आप उसका सही जवाब दे पाते हैं तो वो भी लिखिए। आपने क्या पूछा सर? आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं, आप उसको रिपीट करिए, अब आ रही है मुझे आवाज आपकी, आप अपनी बात को रिपीट करिए। नहीं आवाज आ रही। अच्छा, तो बात आवाज नहीं आ रही है तो इस कम्युनिकेशन को फिर यही बंद करते हैं। क्या आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई क्या कि आप समझाने की बजाय, हाँ, कि इसमें थोड़ा सा भी, क्योंकि ये मॉडल आपके सोच का हिस्सा है और मैं अपने सोच का हिस्सा बनाऊं तो एक्सीडेंट होंगे, इसलिए आपके सोच के हिस्से को कहीं भी बैठ करके पहले उनको वीडियो को सुनाना है और उनको समझने की देने की कोशिश करना है। बिल्कुल, ब्रीफिंग करना, और जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं थोड़ा सा उसको भी डायरी में लिखिए और आपने क्या जवाब दिया। मेरा काम बस इतना है, मैं समझ गया कि आपका इंट्रोड्यूस कराते हुए एडिफिकेशन करते हुए आपका और एक वीडियो प्रस्तुत कर देना है और वो वीडियो आपको चुनना है, वो वीडियो आपको चुनना है। हाँ, अरे हम नहीं, हम पहले सुनेंगे तभी तो सुनाएंगे। करेक्ट, क्योंकि हम सुन करके तो सिलेक्ट करेंगे। नहीं, सुनना नहीं कह रहे हैं, चुनना, सिलेक्ट करना है, मतलब सिलेक्ट करना। 3300 में से कौन सा वीडियो सुनना चाहते हो ये तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ वीडियो ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो जिस तरह के लोग हैं उनको इस तरह का वीडियो दिया जाए। करेक्ट करेक्ट, जैसे मान लो मजदूर वर्ग से बात कर रहे हैं तो जो हम मिस्टर गणेश मूर्तिकार से बात कर रहे हैं दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट? जी जी। तो जैसे मान लो हम वरिष्ठ नागरिकों को कोई बात समझा रहे हैं तो वो वरिष्ठ नागरिकों वाला है उनके लिए अप्रोप्रिएट होगा, राइट? जी। और फिर जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो आप जवाब दे रहे हैं, जो मिस्टर बल्लाज जी को जो मैंने वीडियो भेजा है वो आपका, मैंने 3 या 4 वीडियो मैंने भेजा है बल्लाज जी को, एक तो जो आप बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ वो बच्चों के साथ मैनेजमेंट का है उसमें कर रहे हैं उसको मैंने भेजा है,
और एक जो है हिंदी वाला वीडियो भेजा, तीन आपका इंग्लिश वाला वीडियो भेजा जिसमें बहुत सारा आपका मतलब गुणगान करते हुए कोई बंदा जो है वो आपका पूरा इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ऐसे 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 इसके बाद आपसे आप बात कर रहे हैं। तो बल्लाद जी का मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लेकिन अब ये है कि उनसे आपके कम्युनिकेशन हो पाया कि नहीं हो पाया मुझे नहीं पता। नहीं हुआ था मेरा कम्युनिकेशन और उनका कम्युनिकेशन भी मेरे ख्याल से अपलोडेड है। अच्छा हाँ, वो आप देखिए, आप जो नई चीज आती है उसको जल्दी से पलट लिया करिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा किससे क्या क्या बात हो गई। हाँ तो नहीं, मैं तो चेक करता रहता हूँ। अभी कल गुप्तेश्वर जी से मेरी बात हुई थी सर जी। अच्छा, क्या बात हुई? हाँ, कई बार फोन किया, फोन नहीं उठाया, फिर उन्होंने कॉल बैक किया था करीब करीब शाम को 5 बजे से लगभग। ओके, आप कौन बोल रहे हैं? तो मैंने कहा मेरा फर्स्ट मीटिंग है, अभी मैं इनको कोई चीज नहीं दूंगा। हाँ, मैंने सोच लिया था कि पहले इनको मैं जज करूं कि ये बात करने के लिए तैयार हैं तो मैं बात करूं, जबरदस्ती में क्यों बात करूं? वो डीजीपी रैंक का आदमी है, मैं कोई डीजीपी थोड़ी ना हूँ। तो मैं उसको अपनी बात पे आराम से पकड़ा दूंगा, इतनी बड़ी चीज में आराम से किसी को नहीं पकड़ाता हूँ सर जी। तो मैंने उनसे राम राम दुआ सलामी हुई, तो बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ से बोल रहा हूँ सर, और क्या करते हैं? तो मैंने बताया, तो फिर उन्होंने कहा कि तो मऊ को बहुत नज़दीक है हमारे यहाँ से, अब वो कहाँ के रहने वाले मुझे नहीं पता। मैंने पूछा नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, तो शायद इलाहाबाद के हैं, कहाँ के हैं भगवान जाने। तो हमने कहा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि सर आप अपने पेपर बनाए रखिए हैं, और कभी सर हम कभी फिर बात करेंगे आपसे किसी मुद्दे पे। तो नहीं नहीं बताइए बताइए। मैं कहा आप आध्यात्मिक आदमी हैं तो कुछ आध्यात्मिक की चीज़ें होंगी, आध्यात्मिक की चीज़ होगी जिससे समाज का मानववाद का कुछ कल्याण हो। तो इतना बात हुई है सर, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई है। बोले ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। तो आज एक मैसेज मैंने डाला है कुछ ऐसे, तो अब जो है आपको 2-3 दिन बाद मैं इनको मैसेज डालूंगा बढ़िया सा, इनको मैं मैसेज डालूंगा बढ़िया सा आप वाला, फिर ये खुद ही हमसे बात करेंगे कि आप इनको कैसे जानते हैं। राइट, उनको ये पता होना चाहिए कि ये काम देश के अंदर चल रहा है, नॉट डिपेंड मैत्री सर इज नॉट डिपेंड अपॉन गुप्तेश्वर पांडे, ठीक है ना? तो इनको मैं भेज दूंगा। नहीं, मैथिली शरण गुप्त तो हर अच्छे व्यक्ति को जोड़ना चाहेंगे यदि वो अपने आप को दुष्ट विद्वान साबित ना करे। डिपेंड हम नहीं है, हम जोड़ना तो सबको चाहते हैं, हम तो ईश्वर से जुड़े हुए, हम सबको जोड़ना चाहते हैं। अब कोई न जुड़े विद्वान आदमी तो हम क्या करें? आज नहीं जुड़ेगा कल जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो जब चंद्रगुप्त छत पे जाएंगे तो जो 2-4 बच्चे होंगे वो भी बेचारे कूद के चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? देखो एक चीज मान लो, यदि जो नहीं जुड़ रहा है लाभ नुकसान उसका है। जैसे कर्नाटका में जो है लोगों में वो चीज नहीं पहुंची, नहीं कर पाए, तो नुकसान कर्नाटका वालों का हुआ है, लाभ उनको मिलने वाला था वो वंचित हो गए। देखिए कर्नाटका में जो कुछ नहीं हुआ उसके पीछे रीजन हमारा है सर, कर्नाटका की जनता की। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने सबसे विद्वान लोगों से संपर्क किया और सबसे मूर्ख लोगों से भी संपर्क किया। यदि विद्वान और मूर्ख दोनों एक जैसे ही रहे और वो अपना लाभ नहीं देख पाए तो निश्चित रूप से हमारे पास समय कम हो सकता है, लेकिन हमारे मॉडल में तो उतना समय चाहिए ही नहीं। नहीं हमारे देखिए कोई भी मॉडल। अच्छा, दूसरी बात ये है ना कि जो जो चतुर्थी लिस्ट में आ भी गए उनमें इतना साहस नहीं था कि अपना नामांकन ही भी भर दें। अदरवाइज आपके जो बचे हुए 20 अप्रैल से 10 मई तक का जो आपको समय मिलने वाला था 20 दिन का, आपको तो केवल 5-6 दिन ही चाहिए करना था जैसे छोटे राज्य के लिए। सर जी आपको पता है इस बात इलेक्शन का कोई भी बात किसी से जल्दी होता नहीं है। अगर डीप इलेक्शन तो यदि आप अपने हित की नहीं नरेंद्र जी, मैं इसमें दूसरी बात कह रहा हूँ कि आपने आसानी से नहीं सुना तो नुकसान किसका हुआ? मैं तो ये कह रहा हूँ कर्नाटक देखिए बस ये बात आदि अपन लोगों को बार बार रिपीट करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए।
नहीं आपका सब होता ही नहीं है। देखिए आपका मेहनत, आप खून पसीना जो कर्नाटका की धरती पे गिरा है ना, वहां से फूल पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। ये हमको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, हम तो ये मानते हैं नरेंद्र सिंह कि हम उसमें कोई आहुति नहीं कर पाए, लेकिन जिन लोगों ने भी आहुति किया है उसका फल कर्नाटका में मिलेगा। हाँ देखो बड़ी सिंपल की बात है कि आपने थॉट दे दिया है और उन विद्वानों से मेरी बात हो रही है, ये बात उन्हें मानना ही पड़ेगी, स्वीकार करना ही होगी कि नुकसान उनका हुआ। यदि अपना नुकसान कर रहे हैं तो फिर आप विद्वान किस बात के हैं? वो नियत को ऐसा ही मंजूर था तो उनका नुकसान तो होगा ही होगा, अभी चुनाव होगा उसमें सब माफिया क्रिमिनल लोग पहुंचेंगे, क्या भला हो जाएगा कर्नाटक के? नथिंग, ये तो बात पक्की है। जो अनाउंसमेंट करके दुष्टों को झेलना ही पड़ा, और इस बात को मैंने कई बार कहा कि ये उनका प्रारब्ध था कि अभी उन्हें और जूते लाते खाना, तो यही हुआ ना कि ताज भी गायब हुआ, अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाई और जूते लाते खाते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए अब हम लोगों के पास तीन स्टेट हैं, यहाँ पे हम लोग फोकस 7-8 महीने के अंदर हम लोगों का एक स्टेटमेंट आ रहा है। आप फोकस उन स्टेट पे कर दीजिए, फिर आ रही है। एक मिनट मेरी ध्यान से बात सुनिए, आप उन स्टेट पे फोकस मत करिए, आप जहाँ है वहाँ फोकस करिए और वहाँ के तार जोड़िए। जी समझ गया ना, जैसे अज्यूम करिए कि आप वहाँ से जिस लोगों से जुड़े हुए हैं उनसे अपने तार जोड़िए ना। बिल्कुल। और उनको मोटिवेट कर लीजिए, जब आपको लगा कि आपने काफी आप लोगों को कर लिया, अपना काम करें, सीधी बात है। और हाँ, वहीं कर सकते हैं, अगर यहाँ नहीं कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश जाके क्या कर लेंगे हम? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दो चार लोग मेरे मिलने जुलने वाले होंगे, हम जाके उनको डिस्टर्ब भी करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके घर रोटी खाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि दूर से यदि आप उसको जैसा अपन रूपरेखा अपने यहाँ बना रहे हैं ऐसी सिमिलर रूपरेखा वहाँ से बन गई तो आपको ज्यादा दिन चाहिए ही नहीं ना। 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9% लोगों को ही 10 को जोड़ना है, जो कि बच्चों का खेल है, जो कि बच्चों का खेल है। आपके मॉडल में गलती ये हो रही कि जो लोग जुड़ गए ना, 9वें दिन जुड़ना चाहिए था, इस रूप में जुड़ गए मोटी। यदि 9वें दिन जुड़े होते तो अपनी सेहत को भी फर्क पड़ता क्या? यदि शुरू के जो दिन में लोग अपना अपना 10-10 जिसको 90 तो एक ही व्यक्ति को जोड़ना था, राइट? अब जैसे जो बाकी लोग जो है मेरे ख्याल से चौथे दिन तक पहुंचे तो उतने लोग तो जुड़ ही गए हैं ना। लेकिन जो जुड़े हुए लोग हैं यदि वो अपने संकल्प को पूरा आज करना चालू कर दें तो एक दिन में उनका वो हो जाएगा, तो जो चैन शुरू होगी। ये और अपने संकल्प को पूरा करिए और जिनको 10 लोगों को जोड़ते हैं उनको भी प्रे बिल्कुल बिल्कुल उनको फॉलो अप भी करिए। बस भाई साहब थे आपने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो कम से कम 10 लोगों को तो जोड़ लीजिए, बाकी को जो है ना बाद में जोड़ते रहना, कम से कम 10 लोगों को तो जोड़िए। जी है कि नहीं, कम से कम 10 लोगों को। मैंने आपका मॉडल इतना सर है, इतना आसान है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस एक फार्मूला मेरे दिमाग में आया कि आप जुड़िए और अपने 9 लोगों को जोड़िए, 10 लोग हो गए आप, और उनसे भी प्रेरित करके भैया कहिए कि 10-10 लोगों को जोड़ दें, कहानी 90 का पूरा हो गया। सिंपल करना होगा, यही प्रक्रिया कॉपी कैटिंग की आगे लोग करते रहेंगे तो पता चलेगा 100 करोड़ होने में टाइम भी लगेगा, सीधी बात है। बिल्कुल सही, जिम्मेदारी हर की लेते चला तो काफी हम तो ये कह रहे हैं कि जो जुड़ गए हैं उनको मान लीजिए कि 9वें दिन वाले हैं, अभी नए लोगों को जोड़ लो ना। है कि नहीं, विगत को कम कर ले तो समझ। चलिए तो मेरे ख्याल से आप इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं, और आप जो मुस्लिम का और बुनकर का और जो कंस्ट्रक्शन वाला है ये तीन को जरा प्रायोरिटी दे दीजिए। आज मैं ऐसा मानता हूं कि आज से मुझे 10 लोगों को जोड़ना है और उन 10 लोगों को ऊर्जाकृत करके उन 10 लोगों को जुड़वा देना है, ठीक है ना?
ये काम करना है। अब आप जो है 10 को जगह 30 को जोड़ना है, 10 बुनकर को जोड़िए, 10 मुस्लिम को जोड़िए, 10 कंस्ट्रक्शन वालों को जोड़िए, तीन काम अपने हिस्से पे और उनको 10 के लिए तैयार कर दीजिए। बिल्कुल मऊ खड़ा उतने में ही आपका बहुत बड़ा हो जाएगा जी। और फिर उनसे दोबारा मऊ खड़ा करने की जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों पे डाला। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इस काम को मुझे करके अपने टीम में प्रस्तुत करें ताकि टीम को कम से कम आदर्श कुछ एक एक मैत्री सर आदर्श है तो मैत्री सर भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ आदर्शवान बने। सीधी बात है, कोई लूट ढूंढ मत रहे। एक अच्छा व्यक्ति चाहता है सब अच्छे बने रहें, तो कभी भी नहीं चाहता कि लोग गंदे भी बने। तो हम गंदे बने हुए हैं, हमको भी अच्छा बनने की जरूरत है, नहीं तो एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहने का फायदा क्या है। बिल्कुल ठीक। चलिए तो हम होंगे जिम्मेदारियाँ, जिम्मेदारियों को थोड़ी डिस्टर्ब करती है जिम्मेदारियाँ, क्योंकि मतलब खुली समय तो होता नहीं है, उसी में से दाएं बाएं समय निकाल करके करना पड़ता है। यही जीवन है, जीवन भी यही है, यही जीवन है, यही जीवन है, इसी में से लड़ते फिरते चलना है आगे को, और क्या किया जाए। और बहुत आसानी से हो जाए। हाँ, कोई हम लोग अलग से टेंशन शुदा आदमी है नहीं, और उसको करने से रोज गड्ढे खोदने हैं और उस गड्ढे से रोज पानी पीने हैं, सबसे बड़ी बात है। गड्ढे नहीं खोदेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ इसको भी लेकर के हम लोगों को चलना है, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा काम नहीं है इसको, केवल हमने बड़ा काम समझ लिया है इसलिए बड़ा रखा है। जोड़ने वाला काम बहुत बड़ा नहीं है ये। रोज जुड़ते हैं लोग, 10 लोगों से बात करते हैं फालतू के, जिसमें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फालतू के बात तालाब में समाप्त किया जाए। हाँ जी 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 जय हिंद सर, जय भारत, धन्यवाद।